Acha, and if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and press the bell icon. So guys, अगर आप लोग मुझे मेरे Instagram पे follow करते हो तो आपको पता ही होगा कि मुझे स्किन केयर करना कितना पसंद है. तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है. सो गाइज, आज की वीडियो में मैं अपना सारा स्किन केयर कलेक्शन दिखाने वाली हूँ आपको. एंड कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर 200 है, काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और मैं टीनेजर्स के लिए भी सजेशंस देने वाली हूँ स्किन केयर के. तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, एंड अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना तो आप भूलोगे नहीं, मुझे पता है. तो चलते हैं. हाँ गाइज, मैं आपको इसमें मेरे जो पर्सनल फेवरेट है वो भी ऐड करूँगी, एंड ये सारे प्रोडक्ट्स, ये रहे जो भी मेरे कलेक्शन है. तो स्किन केयर में सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें से दो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं. ऑल्सो मैं टीनेजर के लिए भी फेस वॉश बताऊंगी. तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये बायोटिक का बायोनीम फेस वॉश, बहुत अच्छा लगता है. एंड अब मैं इसे एक साल से यूज़ कर रही हूँ. एंड अगर आपको कोई भी मतलब कंफ्यूजन हो कि मैं कौन सा फेस वॉश लूँ, इतने सारे फेस वॉशेज हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. आप ट्रायल के लिए जो सबसे छोटा पैक होता है वो मंगवा सकते हो, एंड उससे आप 15 डेज तक यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा वो आपकी स्किन पे कैसा रिएक्ट कर रहा है. तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा फेस वॉश है. तो इसका छोटा वाला पैक मंगवाया था, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट मेरा वो, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो. तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको पिंपल्स हैं, तो आप ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हो. मेरे भी पिंपल्स हो गए थे बीच में बहुत ज़्यादा, एंड मैंने ये एक महीने यूज़ किया, मुझे इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे लगे कि मैं यही फेस वॉश यूज़. यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में मेरे पास हिमालय का नीम फेस वॉश है, ये भी बहुत अच्छा है, और ये टीनेजर के लिए भी, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. और मैंने इसे टेस्ट करने के लिए भी इसका पहले छोटा वाला पैक मंगवाया था, और ये खत्म हो चुका है. उसके बाद मैंने ये मंगवाया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे. सेकेंड बार मेरे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में गुड वाइब्स का रोज है फेस वॉश, के लिए काफ़ी अच्छा लगा मेरी स्किन के लिए, मेरी ड्राई स्किन है बहुत. उसके बाद मैं टीनेजर्स के लिए एक DIY फेस वॉश सजेस्ट करने वाली हूँ. आप उसे बनाने के लिए 1 स्पून ग्राम फ्लोर, और उसमें या तो आप रोज वाटर ऐड कर लीजिए या नॉर्मल प्लेन वाटर ऐड करके उसे आप 1 मिनट तक फेस वॉश करिए और उसे वॉश कर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है. मैं उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि होता है स्क्रब. तो स्क्रब हमें वीक में 2 बार या तो फिर 1 बार तो करना ही चाहिए. और यहाँ पे मेरे पास स्क्रब के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, ये बायोटिक का पपाया स्क्रब है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है. और मुझे लगता है कि ये लेने के बाद मुझे और कोई स्क्रब लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. एंड टीनेजर्स को मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी. अगर आपको स्क्रब करना है तो मैं आपको DIY स्क्रब बताती हूँ. DIY स्क्रब के लिए आपको चाहिए राइस फ्लावर, या तो आप उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए, या तो फिर आप उसमें प्लेन वाटर ऐड कर लीजिए, या फिर आप उसमें हनी भी ऐड कर सकते हो. उन सबको मिक्स करके, सबको नहीं, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड करके मिक्स करके आप 2 मिनट तक स्क्रब करिए एंड फेस को वॉश कर लीजिए. एंड स्क्रब करने से पहले आप स्टीम जरूर. तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, थर्ड स्टेप फेस पैक. तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा फेस पैक के लिए मैं होम रेमेडीज ही रेडी. मेरे पास फेस पैक के लिए एक ऑप्शन है, जो कि टीनेजर्स के लिए हिमालय का नीम फेस पैक, ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इसे टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आपको होम रेमेडीज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली. फर्स्ट स्टेप फॉर टोनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और यहाँ पे मेरे पास टोनिंग के लिए 4 ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है ये डाबर का गुलाबरी टोनर, ये टीनेजर के लिए भी बेस्ट है और इसे सब यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये. उसके बाद, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है. और फिर उसके बाद गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, ये भी मुझे ठीक ठाक लगता है. फिर उसके बाद मेरे पास गुड वाइब्स का ही रोज टोनर है, ये भी बहुत अच्छा है और इसे टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं. बाद मेरे पास बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर है, जो कि है 4 नॉर्मल 2 ऑयली स्किन वालों के लिए, ये भी मेरा पर्सनल. उसके बाद मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सोच रहे होंगे क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्किन के लिए सब कुछ चाहिए. मॉइस्चराइजर इतने पसंद है कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मॉइस्चराइजर के लिए. ऑल्सो टीनेजर के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, जो कि अभी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो फर्स्ट पास मॉइस्चराइजर के लिए फर्स्ट ऑप्शन है ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है. इसमें विटामिन ई प्लस ग्लिसरीन है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पॉन्ड्स का ही सुपर लाइट जेल वाला मॉइस्चराइजर. उसके बाद ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है और ये है बायोटिक वाला, जो कि है 4 ऑल स्किन टाइप्स पीपल के लिए और इसे टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं. और टीनेजर के लिए मैं एलोवेरा जेल सजेस्ट करूँगी, टीनेजर के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है वो. एंड आप पॉन्ड्स का भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास है नेविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर, ये समर के लिए बहुत अच्छा है एंड विंटर्स के लिए इसी का नेविया क्रीम. उसके बाद यहाँ पे मेरे पास नेविया का क्रीम, ये भी बहुत अच्छा है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हर कोई भूल जाता है या सबको लगता है कि जब हम बाहर जाएंगे तभी लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है, हमें रोज यूज करना चाहिए, एंड वो है सनस्क्रीन. तो यहाँ पे मेरे पास सनस्क्रीन के लिए एक ही ऑप्शन है, न्यूट्रोजेना का ये सनस्क्रीन है 50 SPF,
और सनस्क्रीन आपको रेगुलर यूज करना चाहिए, चाहे आप बाहर जा रहे हो या चाहे आप घर पे रह रहे हो। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपने देखा होगा आपके पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, वो इसीलिए हो जाते हैं, सनबर्न हो जाता है इसलिए। तो आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए। और टीनेजर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पॉन्ड्स का सनस्क्रीन यूज कर सकते हो या तो फिर आप बायोटिक का सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। उसके बाद लिप बाम, तो लिप बाम के लिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको दो तीन ही सजेस्ट करूंगी। एक तो ये वैसलीन, उसके बाद एक ये हिमालय का लिप बाम, उसके बाद ये नीविया का, ये बहुत अच्छा है, फ्रूटी लिप बाम है, मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट लिप बाम है। और उसके बाद ये बायोटीक का लिप बाम, ये भी बहुत अच्छा है। गाइस दैट्स इट फॉर दिस। ऑल्सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। और इस वीडियो को शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइजेज मैंशन नहीं किए हैं तो मैं वीडियो में वो ऐड कर दूंगी, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना प्राइजेस और या फिर मैं ऐड कर दूंगी। हाँ गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियोज देखने मेरे चैनल पे आते हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से वीडियोज। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ लेना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज़।